सतना तनवा सार न जाना तेरी ज्ञान ध्यान किछ कर्म न जाना सार न जाना तेरी सब ते वड्डा सतगुर नानक जिन कल राखी मेरी ज्ञान ध्यान किछ कर्म न जाना नाहिन निर्मल करनी साध संगत कै अंचल लावो बिखम नदी जाए तरनी ज्ञान ध्यान किछ कर्म न जाना नाहिन निर्मल करनी साध संगत कै अंचल लावो भिखम नदी जय तरनी ना हो जति सती नहीं पड़या मूर्ख मुगदा जन्म भया परणवत नानक तिन की शरणा जिन तो नाही विसरिया सजन सच्चा पातशाह सिर शाहां दै शाहो जिस पास बैठिया सोही है सबना दा वेसाहो सजन सच्चा पातशाह सिर शाहां दै शाहो जिस पास बैठिया सोही है सबना दा वेसाहो सतनाम श्री वाहेगुरु साहिब जी तनासरी महला पंजवा फिरत फिरत भेटे जन साधु पूरा गुर समझाया आन सगल बिद काम नायावै हर हर नाम त्याया फिरत फिरत भेटे जन साधु पूरा गुर समझाया आन सगल बिद काम नायावै हर हर नाम त्याया ताते मोहे धारी ओट गोपाल सरन परयो पूरन परमेश्वर बिनसे सगल जंजाल रहाउ सुरग मृत पयाल भूमंडल सगल व्यापी माए जी उदारन सब कुल तारन हर हर नाम त्याए नानक नाम निरंजन गाइया पाइया सर्ब निधाना कर कृपा जिस दे सुआमी बिरले काहू जाना नानक नाम निरंजन गाइया पाइया सर्ब निधाना
कर कृपा जिस दे स्वामी मिरले काहू जाना। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतह। परम सम्मान योग जुगो जुग अटल साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब सचे पातशाह महाराज जी दी पावन पवित्र हजूरी अंदर सतगुरां जी दी चरण शरण गुरुद्वारा मंजी साहिब दीवान अस्थान विखे आप जी सुभाए मान को दास अक्सर ये शब्द वरतदा है कि गुरुद्वारा मंजी साहिब दीवान हाल जां दीवान अस्थान, क्योंकि आप संगत नूं ये ज्ञात है जदों असी इस दीवान हाल तो बाहर निकल के श्री हरिमंदर साहिब वल जाने हां खब्बे हाथ असल च मंजी साहिब है। उथे इतिहास जो लिखिया है कि इस जगह ते बैठ के सतगुरु गुरु पंचम पातशाह धन गुरु अर्जुन देव जी उन्होंने अपने मुखार बिंद तो 12 माह माज राग विच ओ उचारण किया है। पहला सिर्फ मंजी सी, मंजी साहिब सी जी, एक थड़ा सी। कल इस जगह ते श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का प्रकाश कर दिता गया है, क्योंकि उस सदीवता नू कायम रखन दे लई कि ये इतिहासक जिहड़ा सतगुरां दा अस्थान है ये वाकई गुरद्वारा मंजी साहिब बने। आओ अज सतगुरु गुरु पंचम पातशाह जी महाराज हजूर ने तनासरी राग विच जो शब्द उचारण किया है ये अज हुक्म रूप विच महाराज जी ने बख्शिश किया है। आओ भावें पिछले दिने भी सतगुरां ने एक हुक्म बख्शिया, अज फिर गुरु अर्जुन देव जी ने त्रुट के बख्शिश की। ते ये सच्चाई है कि एक शब्द भावें सारा जीवन आपां उस दी विचार करी जाइए, गुरु ग्रंथ साहिब का खजाना ही इतना ज़्यादा है कि इस विच कदी टोटा नहीं आ सकता। आओ आप असीस बख्शो, प्यार अदब सहित संगत जी उच्चारण करो सतनाम श्री वाहे गुरु जी। फिर उच्चारण करो साध संगत जी सतनाम श्री वाहे गुरु जी। सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी। तनासरी महला पंजवा। राग तनासरी है ते पंचम पातशाह धन धन गुरु अर्जुन देव जी महाराज बाणी के बोहित जिन्ना ने साडे उपर बहुत वड्डा पारुपकार किया। उस दिन भी अर्जदास ने कीती सी 43 साल दी आरबला संसारी तौर ते 25 साल हजूर गुरियाई ते विराजमान रहे। अज समुच्चा सिख जगत की पूरी मानवता धन गुरु अर्जुन साहिब दियां रहमतां नूं मान रही है। जिवें असी श्री हरिमंदर साहिब मत्था टेकने हां और इस करतार दे मंदर दी उसारी धन गुरु अर्जुन देव महाराज जी ने कराई जी। जलंधर दे नेड़े करतारपुर शहर ये धन गुरु अर्जुन देव महाराज जी ने कृपा की। तरन तारन दरबार साहब ये गुरु अर्जुन देव जी ने कृपा की।
तरन तारण साहब विच पहला कोड़ी आश्रम धन गुरु अर्जुन देव जी ने साडे ते बख्शिश कीती। प्यारे हो उस उन्हां ठंड दे सोमे ने इन्नी कु बख्शिश कर दिती कि जिस शब्द नूं आप अज कमा रहे हो, जिस बाणी नूं आप शीश झुकांदे हो, आपां सारे श्री गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी दी संपादना भी गुरु अर्जुन देव जी ने कीती ते सतगुरां ने अपनी हयाती विच श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का प्रकाश श्री हरिमंदर साहिब जी विखे कराया। जिथे इन्नियां बख्शां कीतियां उत्थे सच ए वे कि जबर जुल्म दा मुकाबला सबर ते तुर अंदर दी शांति नाल ये धन गुरु अर्जुन देव जी ने किया। शहीदां दे सरताज आपां कहने आ ऐसे दीन दयाल सतगुरु अज साडे ते त्रुठे आ ते उन्हां ने तनासरी राग च ए अमृत बचन उचारण किया है। फिरत फिरत भेटे जन साधु, सतगुरु अज फिर बख्शिश कर रहे आ। फिरत फिरत भेटे जन साधु, फिरत दा अर्थ है लभदिया होया, खोजद्या होया, भालद्या होया, जां ढूंढ करद्या। आपां शब्द वरत सकने कि लभदिया लभदिया, ढूंढद्या ढूंढद्या, खोजद्या खोजद्या सानू सतगुर पुरख साधु जन मिलिया है। उस दिन भी अर्ज कीती सी जी कि फिरत फिरत भेटे जन साधु, लभद्या खोजद्या ढूंढद्या तलाश करद्या सानू सतगुरु पुरख साधु जन मिले खन। पूरा गुर समझाया, पूरा गुर समझाया, पूरे सतगुरां ने इत्थे सतगुरां ने बख्शिश कीती कि लभदे सां पहलां, हुण समरथ सतगुरु जी मिल गए। जदों सतगुरु जी दी चरण शरण विच गए ते उन्हां ने सानू बड़े प्यार नाल बड़े ही बख्शिश भरे बोलां नाल ये गल समझा दित्ती। पूरा गुरु ने यह दस्या है, आन सगल बिद काम न आवै। आन सगल बिद, आन दा अर्थ है होर, सगल दा अर्थ है सारे, बिद दा अर्थ आपां तरीका कर लईए जां होर जुगतां। कहिंदे ने पौरे सतगुरां ने समझा दिता कि होर कोई तरीका, होर कोई वसीला, होर कोई जुगत, होर कोई विधि ये काम नहीं आउणी जिंदगी च, ना इत्थे ते ना उथै। हर हर नाम ध्याया, महाराज कहिंदे ने बस एक काम करो, हर हर नाम ध्याया। हर दा अर्थ बहुत ने जी, गुरबाणी विच हर शब्द बहुत वारी आया है ते कोश विच हर दे अर्थ बहुत ने, पर इत्थे असीं हर दा अर्थ करांगे खरन वाले, खोण वाले, जिहड़ा परमेश्वर लई वरत्या जांदा है। कहिंदे ने सतगुरां ने यह गल समझा दित्ती कि भाई तू वाहगुरु जपया कर, तू हरी हरी बोल, तू राम राम बोल, इहदा भाव तू गुरमत नाम नूं दृढ़ कर लै ते जे इस नाम नूं तू दिन रात ध्याएगा सिमरेंगा ते इहदे नाल जिन्ने तेरे जंजाल ने वह कट्टे जाणगे। महाराज जी कहिंदे ने पूरे सतगुरां ने यह सानूं समझाया है। अज फिर मैं इन्हां दो तुकां दी व्याख्या पहला आपां फिर करनी चाहते। मैं उस दिन भी बेनती की सी जी कि जदों बंदा अंदरों सच दे मार्ग की भाल विच तुरदा है, वह ढूंढन तुरदा है, तो परमेश्वर अज नहीं कल नहीं, कई बार मर्ज की सी पखंडी दंभी भेखी बंदे भी जिज्ञासू नूं टक्कर जांदे आ, पर परमात्मा जी इन्नी कृपा करदे आ अंदर दी भुख होवे, अंदर दी चाह होवे, अंदर प्यारे नूं मिलन दी तुर अंदर तो जिज्ञासा होवे ते वाहिगुरु जी कृपा करके उहनूं उहदी जिंदगी विच मार्गदर्शन जरूर करदे। महाराज जी कहिंदे सी लभदिआं लभदिआं पूरा सतगुरु सतपुरख सानूं मिलिआ। देखो श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दा आप जी जदों पाठ करदे सुणदे हो बाणी विच गुरु शब्द, गुर शब्द, सतगुरु शब्द ते सतगुर शब्द, गुरा शब्द, सतगुरा शब्द, इन्हां काफ़ी लफ्ज़ां की वरतों मेरे सच्चे पातशाह महाराज जी ने की हुई है धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी च। क्योंकि अज थोड़ी जी मेरी इच्छा सी कि पूरा सतगुरु, इहदा मतलब जे शब्द पूरा वरत्या है तो कोई अधूरा भी है, जे शब्द पक्का वरत्या है
ते कोई कच्चा भी है, जे शब्द असली वर्त्या है ते कोई नकली भी है, ये परमात्मा की रची कोई रचना है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी च गुरु शब्द देखो मैं अर्ज की बड़ी बड़ी वर्त्या है। उंज ऐस जिस मुल्क च आप रह रहे हैं, इस भारत विच, इस धरती ते गुरु शब्द की वरतों वैदिक काल तो हुंदी पई है, क्योंकि उहदे लई इह शब्द है कि जिहड़ा किसे नूं कोई सुखांदा है। उंज उपनिषद विच इस लफ्ज की वरतों की गई है। अर्ज मैं करांगा आपां श्री गुरु ग्रंथ साहिब दे जो शब्द ने उहनूं आधार बना के चलना है। अज तुसीं देखो आम तौर पर जिहड़ा बंदा किसे नूं कोई हुनर सिखांदा है ना किसे भी फील्ड विच, ते जिहड़ा उहदे तों सिखदा है उह शब्द कहने शुरू कर दिंदा है कि ये मेरा गुरु है। मैं दुनियावी शब्द वरत रहा। जे मान लो किसी ने मशीनी काम किसे तो सिखिया तो वह कह लग पैंदा दो शब्द वरदा है, ये मेरे उस्ताद ने जी, ये मेरे गुरु ने जी। जे किसे तो विद्या पढ़दा तो शब्द उत्थे ही वरदा है कि ये मेरे विद्या गुरु ने जी। प्यारे हर हुनर जदों बंदा सीखदा तो सच एवें वह अपने उस्ताद लई लफ्ज़ गुरु वरतदा है, मुरशबद शब्द वरदा है। पर गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी च जिहड़ी गुरु की परिभाषा दिती है, फिर अर्ज इस नूं सुणियो कि गुरु अपने सिख तो कुछ नहीं लिखांदा। पहला सी गुरु जी दे अखरी अर्थ, ते मैं रोज़ एक बेनती कर रहा, यह नहीं कि आप जी नूं इस चीज़ का पता नहीं, क्योंकि लगातार हुण विचार चलती है हर गुरुद्वारे विच। आपां जदों कहीए जी प्रचार कोई नहीं, ये तो सब तो वड्डी झूठी गल है जी। प्रचार है, हर बंदे दे मोबाइल विच कीर्तन चल रहा है, हर बंदे दे घर विच टीवी चल रहा है, हर कोल इलैक्ट्रॉनिक्स मीडिया इन्ना कु साधन बन चुका है, हर बंदा सुन रहा है। पर मैं कल आप जी नूं बेनती कीती सी, विचार बहुत उची है पर असर तां होवेगा जे विचार दे नाल आचार आ जाएगा, आचरण आ जाएगा। जे सतगुरु कृपा करके उन्हों लफ्ज़ वरता अमली जामा बख्श देन, उन्हों प्रैक्टिकल तौर पर कमान की दात दे देन। ते ये भी सच, जदों आपां नियत रास रख के प्रैक्टिकल तौर पर कमा रहे हैं ना, लोग साढ़े बारे की परिभाषा देंदे ने, लोग सानू किस ढंग नाल देखदे ने, लोग समाज साडी की व्याख्या करदा है। मेरी बेनती इधर बिल्कुल ध्यान नहीं देना, इस दुनिया विच कोई बंदा साढ़े बारे पूरा नहीं जानता जिन्ना परमात्मा ते गुरु साढ़े बारे जानता है। मैं फिर लफज करांगा, वाहगुरु जी तो बिना, गुरु तो बिना साडा अंदर किहड़ा वध पढ़ सकदा है जी। फिर अर्ज कह जिहड़ा गुरु शब्द मैं अर्ज की वैदिक काल तो आ रहा है, असल च यह दो अखरां दा सुमेल है, गो अते रू। विद्वान पुरश कहिंदे आ भी इह संस्कृत की ग्री धातु तो बनिया है। इहदे अर्थ करदे आ, गो का अर्थ है हनेरा ते रू का अर्थ चानण। गुरु का लफ्जी अर्थ ए वे कि जिहड़ा अंधकार नूं मिटा के प्रकाश कर देवे। फिर बेनती करा, श्रीमान भाई कान सिंह नाभा जी ने जदों गुरु शब्द के अर्थ मारतंड विच कीते ते उन्होंने ये अर्थ किए ने निगल निगलन वाला, खाण वाला। इहदा मतलब जो अंधकार नूं खत्म कर दिंदा, हनेरे नूं खा जांदा, मिटा दिंदा ते अंदर प्रकाश कर दिंदा है। इस नूं थोड़ा जिहा होर बेनती नूं सुणियो जी। देखो आ बारमुखी उदाहरण है, अज मैं यही थोड़ी जी बाणी चर्ज करनी है। बारमुखी असी चानण आ दीवे वरतने, लैंप वरतने, लाइटां लगियां ने। हनेरा असल च कुछ नहीं, अज्ञानता कुछ नहीं जी। फिर मन च आएगा इन्नियां टक्करां बंदा क्यों मारदा, हनेरे दी अपनी होंद कोई नहीं, बस प्रकाश दी अणहोंद दा नाम ही हनेरा है। फिर अर्ज है हनेरे दी अपनी होंद कोई बह सकता जी लगातार, जिथे प्रकाश नहीं उत्थे अंधकार है। अज्ञानता तो कुछ भी नहीं, जिथे ज्ञान आ जाएगा उत्थे अज्ञानता ने कदी टिकना ही नहीं। फिर इस नूं थोड़ी जी बेनती, मान लो कि एक बेसमेंट विच, एक तहखाने विच दरवाजे बंद ने, ते कई सालां दा हनेरा है कि उहदा बूहा किसे खोली नहीं, ते जे मान लो 200 साल पुराना तहखाना होवे ते कोई आदमी उस विच प्रवेश कर लगे, ते एक आदमी जिहड़ा चानण बारे नहीं वाकिफ रखदा, जिहनूं चानण बारे सोझी नहीं, वह कहे भाई देखी
ये दरवाजा ना खोली क्योंकि इत्थे जिहड़ा खनेरा है ये 200 साल तो बैठा होया है। फिर ध्यान नाल सुनो मैं क्या उहदी होंद की है, ये 200 साल पुराना खनेरा है, ये सदियां पहला खनेरे विच डुब्बिया होया कमरा तहखाना है। तो जिहड़ा अज्ञानी है वह वाकई कहेगा भी नहीं ओए इधर ना जायो ये तो हनेरा बड़ा पुराना है, पर जिहड़ा सूझवान है वह कहिंदा नहीं प्यारियो खनेरे की अपनी कोई खोंद नहीं, सिर्फ प्रकाश की अनखोंद करके एक है, दीवा बले अंधेरा जाए दीवा बाल दियो तो कई सदियां का खनेरा उड पुट जाता है। फिर अर्श सुनियो सतगुरु यही तो कृपा कर दे कई सदियां का छोड़ो मैं कई जन्मों का हनेरा जदों गुरु जी प्रकाश कर देन अंदर का खनेरा मुक जाता है, जिमें बाहर का खनेरा दीवा बल नाल चला जाता है, अंदर भावें कई जन्मों का अज्ञानता विच डुब्बा होवे जदों समर्थ सतगुरु गुरु नानक साहब अपने घरों रहमत कर देन शब्द का दीवा बाल देन ते अंदरों करोड़ों जन्मों का खनेरा भी चुकया जाता है। इत्थे एक होर बेनती कि देखो असी हुण गुरु जी दे अर्थ ये कीते जो खनेरे नूं खत्म कर देंदे ने जिहड़े प्रकाश कर देंदे आ, ते सच ये वे कि आ साडा मुरशद उंज वैसे असी शब्द गुरु ही मानने आ, सारे असी लफ्ज़ वरतने आ जदों सतगुरां दा प्रकाश दिहाड़ा गुरगद्दी दिन गुरियाई दिन हुंदा है हर प्रचारक साडे सब दी जबान ते है जदों सिद्ध पुछदे ने तेरा कवन गुरु जिसका तू चेला, ते अगो सतगुरु उत्तर दिंदे आ शब्द गुरु सुरत तुन चेला। गुरु रामदास जी अपनी मुबारक रसना तो यह बचन कहिंदे आ फरमांदे आ जी कि बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे। मेरी फिर बेनती शब्द शब्द ब्रह्म है, आदिकाल तो गुरु ग्रंथ साहिब च शब्द दे बहु अर्थ आए ने जी, बहु अर्थां दा मतलब कि जिस शब्द विच जिस पदे विच शब्द लफ्ज़ वरत्या गया उस पदे नूं पढ़ के ही अर्थ हो सकदे ने, इहदे विच शब्द लफ्ज़ दे अर्थ की। फिर मैं बेनती करांगा शब्द ब्रह्म रूप है शब्द परमात्म रूप है, वेद ने भी गल की एक कुरान विच कुन बकुन का जिक्र किया जाता है, पर मैं एक बेनती करांगा कि यह पहली वार सी इस धरती ते जिस शब्द नूं ब्रह्म कहा जाता है उनू गुरु दे रूप विच स्थापन कर देना यह धन गुरु नानक साहब जी की जोत ने बख्शिश की है गुरु दे रूप अंदर। थोड़ा फिर अर्ज सुनो कि जदों असी गुरु शब्द पढ़ने बाणी च सतगुरु शब्द फिर आउंदा कि सतगुरु का अर्थ है सच्चा गुरु, मैं फिर अर्ज की आखरी अर्थ यही ने, पर गुरु ग्रंथ साहब की बाणी चो आप देखिए भाई कि गुरु किसनों कहा जाता है, सतगुरु शब्द किदे लिख है। सच्चे पातशाह महाराज जी ने दो क बचन असी लेने हैं, एक तो सतगुरां का बचन है जिस मिले मन होए आनंद, जिसनों मिल के मन आनंद नाल पूरत हो जाए, सो सतगुर कही है। मैं फिर अर्ज की सच्चा गुरु लफ्जी अर्थ है पर प्रभाषिक अर्थ जेड़े ने वो ये दो तुकाने महाराज बख्शिश कर दिया, जिस मिले मन होए आनंद सो सतगुर कही है, मन की दुबदा बंश बिनस जाए खर परम पद लई है, जिसनों मिल के अंदर दे अज्ञानता दे दुख कलेश खत्म हो जाए अंदर आनंद पैदा हो जाए। प्यारे हो जिस दे मिल नाल अंदर दी जिहड़ी दुबदा है दुभांती चाल है ये खत्म हो जाए उहदे लई सतगुरां ने लफ्ज़ वरत्या जी वो सतगुरु है। एक बचन असी सतगुरु जी का होर पढ़ने सिर्फ थोड़ी जी पहली ये बेनती भी सतगुरु महाराज जी का एक बचन है सुखमनी साहिब विच कि सत पुरख जिन जानिया सतगुरु तिसका नाम, जिसने सत पुरख नूं अकाल पुरख नूं परमात्मा नूं जान लिया उसका नाम सतगुरु है। सत पुरख जिन जानिया सतगुरु तिसका नाम, तिस कै संघ सिख उधर नानक हर गुण गाओ। गुरु साहिब जी उत्ते शब्द ये वरत रहा भी जिन्हें सत पुरख नूं जानिया है, पर यह लफ्ज़ खास करके सतगुरु गुरु नानक साहब जी लई भी बाकी गुरु साहिबाना लई भी अमृत बाणी दे विच वरत्या गया है। इस गुरमत का एक सिद्धांत है कि जिसने परमात्मा तक पहुँचना है जिसने परमेश्वर तक पहुँचना है गुरमत विच उहनू गुरु दे द्वार चो निकल के ही जाना पैना, जिन्हें गुरु दर तो गुरु दे बचन मन्नेगा तां उह सतगुरु दे बख्शिश नाल परमात्मा दे घर भी जा सकदा है। ये सतगुरां ने
अपनी बाणी दे विच वार वार सानू समझाया। सतगुरु गुरु नानक साहब मैं थोड़ी जी अर्ज करनी चाहना, वो प्रगट होए आ, क्योंकि लफ्ज़ अज यह भी लभदियां लभदियां खोजदियां खोजदियां सतगुरु पुरख मिलिया जी, साधु जन पुरख मिले, उन्होंने उपदेश दिता जिहड़ी मैं विचार तो दूर नहीं जावांगा। बाकी कोई कम चीज़ नहीं आनी, सिर्फ परमात्मा का नाम सिमरिया कर। सतगुरु गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह उन्होंने जिहड़े शब्द गुरु ग्रंथ साहब विच वरते गए, एक बचन धन गुरु अर्जुन देव महाराज जी का, फिर ये बड़ी भागा वाले जी, आप खुशकिस्मत आप कुछ कह दें वडभागी कां बड़े चंगे भाग ने। गुरमुखो साडे मुरशद धन गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जी ने, आप खुशकिस्मत हाँ। गुरु अर्जुन देव जी ने हजूर की सिफत विच बचन कहे, प्रभ दातो दातार परयो जाचक एक शरणा, अखरी अर्थ प्रभु दाता जी ने ते दाता देन वाले ने, ते एक मंगता पार ब्रह्म परमेश्वर जी आप जी की शरण विच आया है। प्रभ दाताओ दातार परयो जाचक एक शरणा, मिले दान संत रेन जे लग भव जल तरना। हे परमात्मा जी, मैं जाचक मंगता ये झोली अड के मंगना आ, तेरी बंदगी करन वाले जेडे साधु जाने उन्हां दे चरणा की धूड़ मैनू मिल जाए, उस धूड़ की तफैलिश मैं इस भाव सागर तो तर सकां। प्रभ दाताओ दातार परयो जाचक एक शरणा, मिले दान संत रेन जे लग भव जल तरना, बिनत करूँ अरदास सुनो जे ठाकुर भाव है। फिर बिनती, हे ठाकुर जी जे तुहानू चंगा लगे तो, मैं सिर्फ एक गुरु नानक साहब की सिफत बेनती कर रहा हाँ। महाराज बचन कर रहे हैं कि मैं अरदास कर रहा बेनती कर रहा, मेरी बेनती सुनो मेरी मालिक जी, प्रभ दाताओ दातार परयो जाचक शरणा, मिले दान संत रेन जे लग भव जल तरना, बिनत करूँ अरदास सुनो जे ठाकुर भावै, देव दर्श मन चाओ भगत ए मन ठहरावै। वाहिगुरु जी आप जी अपना दर्शन बख्शो, तो मेरा जिहड़ा खिरदा है ये विच अपनी भगती नूं टिका दिओ, मेरे खिरदे नूं भगती टिकाण दा पात्र बना दिओ, ये तुहाडी कृपा नूं हो सकदा जी। देव दर्श मन चाओ भगत ए मन ठहरावै। अगे सतगुरां ने शब्द वेखो गुरु नानक साहब जी लिखी वरते, वो शब्द है बल्यो चिराग अंधियार में सब कल उदरी एक नाम धर्म। फिर अर सुनियो, बल्यो चिराग, चिराग दा अर्थ दीवा, अंधियार में इस कलयुग के हनेरे विच उस समय विच अत दे कोपा नेरे विच जिहड़ा चिराग बलिया जिहड़ा दीवा बलिया उसका नाम धन गुरु नानक साहब महाराज जी है। बल्यो चिराग अंधियार में सब कल उदरी एक नाम धर्म, सारे भवसा संसार नूं एक नाम धर्म की कृपा नाल पार कर दिता। नाम धर्म ही गुरु साहब ने दृढ़ कराया, बल्यो चिराग अंधियार में सब कल उदरी एक नाम धर्म, प्रगट सकल हर भवन में जन नानक गुर पार ब्रह्म। सारे संसार विच ये प्रगट हो गया, पूरी लुकाई नहीं सुन लिया वो भले लोगो, पूरे जहान विच गुरु नानक साहब परमेश्वर का दास सच एवे ओ पार ब्रह्म का साकार रूप है। फिर मैं दो तुका अर्ज करांगा। वैसे चाहिदा ए वे गुरमुख कल एक दस भी रहे सन, अपना पुरब हुंदा जी सतगुरां दा। प्यारियो तुसीं देखो क्रिसमस आउंदी है ना, मैं किसी ने तुलना नहीं करनी, बाबा जी उहनां दी अपनी थां, हुणे मैं अर्ज कीती सब ते वड्डा सतगुरु नानक जिन कर राखी मेरी। आपां इहनूं अडंबर नहीं केवल समझना, हर खुशी का प्रगटावा करन वास्ते बाहर दे चिन्ह बड़े काम करदे ने जी, रंग काम करदे ने। कई बार तुसीं देखो जिथे सोग होवे इस धरती ते उत्थे काले कपड़े दिखाए जांदे आ, विरोध होवे प्रोटेस्ट करना होवे काले बस्तर दिखाए जांदे आ, ते सिखां विच वी जिहड़ी काली दस्तार सजाई जांदी है जी, ये भी ननकाणा साहिब दे शहीदी साके तो बाद होई है कि काली दस्तार सिखां ने सजाई। जे कितें सुलह की गल होवे ते इक्को दम चिट्टा बस्तर जिहड़ा वो दिखाया जांदा है। मैं बेनती करांगा दीवे पूजन की गल नहीं मैं कर रहा, पर तुसी देखो कि क्रिसमस वाले दिन किहड़ा असाई है जिहदे घर दे विच उहनूं शिंगारिया नहीं गया। किन्ने किन्ने दिन पहलां जी उहनां घरां नूं शिंगारिया जांदा है, उत्थे लाइटिंग की जाती है,
वो एक दूजे नूं मिल के तोहफे देंदे आ। मेरी फिर बेनती, एक दूजे नूं मिलदे आ, वो आपस में पार्टियां भी करदे आ। पर मैं ये धरनी, पर जिस दिन गुरु नानक साहब का आगमन है, कोई सिख उहदी दुकान, उहदा मकान, उहदा कारोबार ऐसा ना होवे जिथे दीप माला ना हुई होवे। जिहड़ा अंदर नूं चानण बख्शन वाला आया, घट्टो घट दुनिया नूं पता लगे लोको अज ये दीप माला तां कीती, अज निरंकार आकार धारण करके आया है। जिन्हों भाई साहब ने कहा सतगुरु नानक देव है, निरंकार आकार बनाया। जिन्हों भट्ट साहब जी ने कहा कि जोत रूप पर आप गुरु नानक कहायो। मेरी फिर अर्ज है, हुण सतगुरु जी प्रगट होए आ, बलियो चिराग अंधियार में, खनेरे विच इक दीवा बलिया। थोड़ा ध्यान आप फिर सुनियो, दीवा बलिया, दीपक बलिया, जिन्हें सारे संसार नूं चानण दे दिता रूहानीयत दा। ते उस समरथ सतगुरु दे सामने कोई भी आया, मेरी फिर बेनती है, गुरु नानक साहब नूं खिते नाल थोड़ा बन्निया जा सकदा जी। गुरु नानक साहब जी दे सामने जोगी आए, धन गुरु नानक साहब जी दे सामने काजी आए, गुरु नानक साहब जी दे सामने जैनी आए, गुरु नानक सच्चे पिता जी दे सामने तांत्रिक आए, गुरु नानक साहब जी दे सामने बोधी आए, गुरु नानक साहब जी दे सामने सच एवे कि कर्म कांडी पखंडी भी आए, गुरु नानक साहब सच्चे पिता जी दे सामने ठग भी आए, गुरु नानक साहब जी दे सामने विचार करन वाले भी आए, गुरु नानक साहब सच्चे पिता जी दे सामने संसार नूं नुकसान पहुँचाने वाले भी आए। पर प्यारिओ, कोई अरबी बोलता सी, मैं थोड़ा जिहा अपने मुरशद दी सिर्फ विच कहना, कोई फारसी बोलता सी, कोई संस्कृती बोलता सी, कोई सिंधी बोलता सी, कोई गुजराती बोलता सी, कोई अरबी बोलता सी, कोई फारसी बोलता सी। मेरे धन गुरु नानक साहब जी ने इन्नी कृपा की, वह इन्ने ठंड के घर ने, जिहड़ा मेरे गुरु नानक साहब की छू मान गया, उहदी बोली कोई भी होवे गुरु नानक साहब के अंदर अंदर नूं तार दिता है, उहदा अंदर टिका दिता है। साडे विद्वान पुरश अपने प्रिंसीपल गंगा सिंह, उन्होंने हजूर दे बारे ते गुरु नानक साहब दे कीर्तनीय भाई मरदाना जी बारे एक कवित लिखिया सी, ए उन्हां दी अपनी रचना है। मैं फिर बेनती करांगा, मैं विषय तो दूर नहीं जावांगा। फिरत फिरत भेटे जन साधु, लभदियां लभदियां लभे होए, ओ गुरसिखो तुसी खुश किस्मत हो जिन्हां नूं धन गुरु नानक साहब वर्गा दाता मिलिया है। सच्चे पातशाह महाराज उत्थे प्रिंसीपल गंगा सिंह जी दी पंजाबी सतरां ने जी, वो लिखते आ कि घल के फिरंदे टिग रबाब सी मंगाया पहला, क्योंकि भाई मरदाना जी नू रबाब भाई फिरंदे ने बना के दिती। ते सिखां में चलो इत्थे तंती साज ना कीर्तन हुंदा है, रबाब दियां कई किस्मां ने, संगीत वाले दसदे आ। इन्हां किस्मां दे विच एक रबाब दा नाम है फिरंदिया रबाब। ये वो बंतर है जिहड़ी भाई फिरंदे ने बना के भाई मरदाना जी नू दिती। प्रिंसीपल साहब ने लिखिया कि घल के फिरंदे टिग रबाब सी मंगाया पहला, आप ही सिखाया उन्हों आउंदा ना बजाना सी। गा लैंदा सी, याद रखियो हुण मन च आवेगा जी, ये भाई मरदाने नूं ते गाउणा हुंदा सी। भाई गुरदास साहब जी ने लिखिया कि भला रबाब वजाए दा मजलस मरदाना मेरा सी। पर यह की सिखाया, तार दा गुण उहदे कोल है। पर गुरमुखो याद रखो, सुरां नाल कोई गज़ल गा सकदा है, सुरां ला के कोई गीत गा सकदा है, सुरां ला के कोई कवाली गा सकदा है, सुरां ला के कोई ठुमरी खा सकदा है, सुरां ला के कोई ख्याल गा सकदा है, पर सुरां विच मिला के शब्द गाना, ये धन गुरु नानक साहब जी की कृपा है। कीर्तन की दात महाराज जी ने बख्शी जी, कलियां सुरां ने उहदे विच शब्द पा दिता। बाबा जी ने घल के फिरंदे टिग रबाब सी मंगाया पहला, आप ही सिखाया उन्हों आउंदा ना बजाना सी। चारे कुंडी तार वजी जंगली पहाड़ी थली, सुनी होया पार रहा आवन ना जाना सी। सज्जन जै ठग जग लोधी जै काबरा ने, बाबर जै जाबरा ने सुनिया तराना सी। गुरमुखो बड़े बख्शिश हुई, सज्जन जै ठग जग लोधी जै काबरा ने, बाबर जै जाबरा ने सुनिया तराना सी। बाबे दा रबाबी रब आबी भिनी तार जी दी। फिर देखो ना अर्थ की कीते, असल च शब्द वरतनिया रबाब, उन्हें कहिंदे ने बाबे दा रबाबी रब आबी रब आब। प्यारे ओ रबाब, भावें इहदा ईरानी साहिब दे अर्थ होर भी होणगे, पर उन्हें अपने ढल कीते रब दा अर्थ है खुदा।
वाहिगुरु ते आप दरथे पाणी। कहिंदे भाई लोको बाबे जी दे रबाबी सिख भाई मरदाना ओदी रबाब सच एवे रब दे नाम दा जल दिंदी है। बाबे दा रबाबी रब आपी भिन्नी तार जी दी नाम मरदाना जग तार ने बहाना सी। मैं आप नूं बेनती कीती जी कि गुरु नानक साहब एक हनेरे विच चिराग बलिया। गुरु अर्जुन देव जी कहिंदे, थोड़ा जिहा इस बेनती नूं फिर सुनियो क्योंकि आपां गुरु नानक साहब तो शुरू किया। हुण इत्थे शब्द वरत्या चिराग बल्यो, चिराग अंधियार में सब कुल उदरी, एक नाम धर्म दीवा क्या चिराग क्या। जिहड़ा दीवा है इहदे च बड़ी वड्डी ताकत है जी। उंज गुरु ग्रंथ साहिब विच गुरु जी नूं गुरु नानक साहिब जी ने खुद सच्चे पिता जी ने गुरु नूं ठंड दा घर, गुरु नूं दीपक क्या, गुरु जी नूं अपना दाता क्या। महाराज का बचन कह गुरदाता गुर खिवै घर। सतगुरु दाता देने वाले दाते ने। सतगुरु खिवै घर का अर्थ बर्फ का घर ने, ठंड का घर ने, वह तपद्या खोया शांति देंदे। गुरदाता गुर खिवै घर, गुर दीपक त्यों लोए। सतगुरु वो दीपक ने, वह दीवा ने, बल्यो चिराग अंधियार में, वह दीपक ने कि जिन्हां दी लो दीवे की लो तो सीमे सीमा विच ना जी, उदाहरण दीवे दी लई है, पर दीवा बलद कुछ कु दायरे तक ओदी रोशनी जांदी। पर कहिंदे ने सच्चे पातशाह धन गुरु नानक देव जी कि सतगुरु ओ दीपक है जिदी रोशनी तिना लोकां दे विच जांदी है। गुरदाता गुर खिवै घर, गुर दीपक त्यों लोए। अमर पदार्थ नानका मन माने सुख होए जिहदा मन सतगुरु दे शब्द विच मन जाए। हुण जिहड़ा दीपक जिहड़ा चिराग गुरु नानक साहिब कोल है शब्द दा, उन्होंने उ दीपक धन गुरु अंगद देव जी दे अंदर टिका दिता। इस करके आप शब्द वरतने जोत टिका दिती। शरीर बदलता पे है क्योंकि मैं अज थोड़ी जी अर्ज ता करनी सी कि गुरु शब्द थले सतगुरु के शब्द थले अनेक परपंची भेखी अपने ढंग अर्थ करते हैं कि नहीं जी ये सतगुरों ने बाणी च कहा ये साडा सतगुरु है। मैं इस करके क्या गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जिन्हां बारे भट्ट जी ने कहा कि वह दीपक गुरु ने, चिराग ने। गुरु अर्जन साहब जी ने कहा, भट्टा ने कहा जोत स्वरूप ने। गुरु नानक साहब जी खुद बख्शिश कर रहे कि गुरु दीपक है। उंज गुरु हरगोबिंद साहब जी ने जदों बेनती करके पूछा सी सिखां ने महाराज कि जना खना अपने अपना गुरु शब्द वरत है, तो बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है कि अपने आप में गुरु सतगुरु, तो कई इस तो भी अगे निकल जाते जगत गुरु तक भी शब्द वरते। पर जिस बंदे दी समझो भी आस्था लफज तना वरता, जे बंदा कित टिक गया उन्हों एक हो जा जाल विच फसा लेंदे आ, क्योंकि रूहानियत दे नाँ ते जिन्नी छेती दुकान चलती है इन्नी बाजार विच नहीं चलती छेती। मैं रूहानियत दे नाँ कह रूहानियत नहीं, परपंच दे नाँ ते बड़ी छेती लोग चलते हैं जी। उत्थे उन्हें पूछा महाराज गुरु ते सतगुरां ने यह शब्द अक्सर सुनाया जांदा। कहन लगे गुरु चार तरह के मन्ने गए, एक है भृंगी गुरु, बड़े सरल जे अर्थ करांगा, दूजा है बामन चंदन गुरु, तीसरा है पारस गुरु, ते चौथा है जी दीपक गुरु। महाराज इस दी व्याख्या ते गुरु हरगोबिंद साहब जी ने कहा भृंगी गुरु ओ है, भृंगी नाँ दा भृंगी एक कीड़ा है जी, वह खास किस्म के कीड़ियां नूं पकड़ के लिआउंदा ते अपने थां ते उहनां नूं टिका के अपने मूँह दे विच्चों एक साउंड कढ़दा, एक धुनी कढ़दा, पीं पीं दी आवाज़ है जी उहदी। उहदे मूँह कोल साउंड जिहड़ी उहदी धुनी है वह अलापदा जां धुनी कढ़दा, ते जिहड़ा कीड़ा पकड़ के लिआंदा कुछ दिनां बाद उह वी भृंगी वर्गा बोलण लग पैंदा, पर सारे कीड़ियां नूं अपनी आवाज़ नहीं दे सकदा, शब्द नहीं दे सकदा। महाराज ने कहा एक वह गुरु ने जिन्हां कोल कुछ ज्ञान है पर खास खास जात ते श्रेणी दे लोकां नूं अपना ज्ञान दे सकदे आ, पूरी मानवता नूं नहीं। दूजा गुरु है जी बावन चंदन गुरु, क्योंकि इन बावन नूं कई बवंजा भी कहिंदे आ, पर उंज वैसे चिट्टा चंदन है जी। ये बावन चंदन गुरु जिहड़ा जिवें चंदन अपनी सुगंधी नाल बाकी रुखां विच वी महक पैदा कर दिंदा है, पर प्यारे वास नूं तब्दील नहीं कर सकता। वास उसे तरह खोखले का खोखा सुगंधी तो रहत हो जाता है। तीसरा महाराज जी ने कहा कई ऐसे ने
जिन्हों को थोड़ी बहुत ही साधना तो की होंगी है जी, तो मैं तां बेनती की जिहड़ा जग्यासु क्या उन्हू पता कोई नहीं, उन्हू थोड़ा बहुता टिका बनिया, उन्हू उहदा उन्हें अपना गुरु धारण कर लिया। बावन चंदन गुरु होवे जिहड़ा कुछ कु श्रेणी नू सुगंधी दिंदा है, नाम दिंदा है, पर सब नू तब्दील नहीं कर सकता। तीसरी मैं बेनती करांगा जी, पारस गुरु, जो गुरु हरगोबिंद साहब जी ने कहा पारस गुरु होवे, जिवें पारस लोहे नू, तांबे नू, पित्तल नू, इन्हां धातां नू सोना बना दिंदा है, पर पारस कदी भी किसी धात नू अपने वर्गा पारस नहीं बना सकता। पारस सोना बना सकता है, पर पारस गुरमुखो कदी लोहे नू अपने वर्गा पारस बना के कहेगा तू अगे लोग अगे अगलियां धातां चेंज कर दे। जिहड़ा दीवा है दीपक गुरु, एक दीवा बल रहा है, उस बलदे हुए दीवे की लाट तो जे आपां दूसरा दीवा बाल देंगे ना जी, पहले दीवे का कुछ नहीं कटना, उन्हें दूजे नू अपनी जोत दे दिती। तो याद रखियो दूजा दीवा उहदे विच इन्नी ताकत है वह अगले बाल सकता है, एक बलिया होया दीवा सैकड़े लखा दीवे बाल देंदा है। गुरु नानक साहब दीपक गुरु ने सच एवे उन्होंने अपनी जोत, अपनी लो, अपनी रूहानीयत की जिहड़ी लो सी वह गुरु अंगद साहब टिकाई। गुरु अंगद साहब ने गुरु अमरदास, गुरु अमरदास जी ने गुरु रामदास, ये बारे तो भट्टा ने बड़ा स्पष्ट शब्द किया, भट्ट साहबान जी ने, जोत रूप और आप गुरु नानक कहायो ताते अंगद भयो, तत् स्यो तत् मिलायो, अंगद किरपा तार, अमर सतगुर थिरकियो, अमरदास अमृत छतर गुर रामे दियो, गुर रामदास दर्शन परस कै मथुरा अमृत बैण, मूर्त पंच प्रमाण पुरख गुर अर्जुन पिखो, नैन भाई गुर सिखो। फिर हर सुनियो तत् स्यो तत् मिलायो, गुरु अंगद साहब जी ने अपने ने मिला लिया, गुरु अमरदास जी ने वह बख्शिश की, वह छतर दिता जिन्हें कभी बिंसना नहीं, गुरु अमरदास जी ने गुरु रामदास जी ने। तो मेरा ख्याल एदू वड्डी गवाही सानू की मिलेगी जी, गुरु रामदास जी ने गुरु अर्जुन साहब जी ते बख्शिश की। मैं थोड़ी जी बेनती इस करके कर लगा क्योंकि गुरु शब्द के थले, सतगुरु शब्द के थले बहुत प्रपंच है जी। फिर सतगुरु ये जोत अगे चलती रही, काया बदलती रही, जोत थोड़ा बदली है जी, पंजवीं छेवीं जोत थोड़ा, जोत तो एको ही रही गुरु नानक साहब जी की। इस करके गुरु साहब के घर के रबाबिया ने शब्द वरते, जोत ओहा जुगत साए सह काया फिर पलटी है, काया पलटी है। भाई गुरदास साहब जी ने शब्द वरत्या कि अर्जन काया पलट कै मूर्त हर गोबिंद सवारी, यदा मतलब काया पलटी है, वह काया दसवें जामे तक सतगुरां ने रहमतां वरताइया। पर प्यारे याद रखियो अपनी हयाती विच, क्योंकि बहुत ज़्यादा कूड़ प्रचार सिखां दे गैर बंदे भी जिहड़े सीधा चैलेंज करदे पए जी, गुरु ग्रंथ साहिब गुरु किवें कह जी, शब्द गुरु किवें कह जी, क्योंकि असी किसी दूजे की उदाहरण नहीं, साड़ी एक मुश्किल है। मैं कि दिन कहा जी असी गुरु नानक साहब जी का पुरब है ना जी, असी कोट करने इस अंग्रेज़ ने यह लिखिया, चंगी गल भी पढ़े लिखे सज्जनों को चाहिए, इस लिखारी ने गुरु साहब बारे ये कहा। मैं हाथ जोड़ के बेनती करांगा गुरमुखो, चंगी लगे तो मान लेनी चाहिए है, असी जिसनों इष्ट मानने जिसनों अपना राबर मानने, धन गुरु ग्रंथ साहब जी गुरु नानक साहब जी बारे की कहिंदे ने, सानू किसे अन मत वाले लिखारी नू पढ़न तो पहला गुरु ग्रंथ साहब दे दर्शन करने चाहिए ने। गुरु ग्रंथ साहब विच गुरु नानक साहब दी पदवी की है, गुरु नानक साहब जी लिखी पद पदवी वरती है। हजूर सच्चे पातशाह महाराज उन्होंने मैं शब्द उन्होंने वरत्या कि जोत रूप और आप गुरु नानक कहायो। प्यारियो सारे गुरु साहबान ने, पंज गुरु साहबाना जी आप जी बाणी दे दर्शन कर दे, सतगुरु जी जदों प्रकाश होया, तो जदों गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने नौवम सतगुरां की बाणी दर्ज कर दिती, वेखो गुरु नानक साहब जी ने तो अपनी रचना विच नानक पद वरतनी सी जी, गुरु अंगद देव जी ने, गुरु अमरदास जी ने, गुरु रामदास जी ने, गुरु अर्जुन देव जी ने, धन गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह जी ने, किसी भी गुरु साहबान ने, बाणीकार गुरु अंगद साहब अर्ज की, किसी ने भी अपना निजी नाम अपने किसी शब्द च नहीं वरत्या। फिर अर्ज सुनियो
जिहड़े सज्जन पाठ कर रहे हो मेरी बेनती बड़ी आसानी नाल समझ रहे होने ने। गुरु अंगद साहब दे शलोक ने 63 पर किसे शलोक विच उन्होंने अपना वो नाम वरत्या जिहड़ा दूसरे पातशाह दा सी बाणी च पढ़ने। भट्ट साहब कहिंदे आ, रबाबी साहब कहिंदे आ, भाई गुरदास साहब कहिंदे आ, पर गुरु अंगद साहब तां नानक शब्द वरत रहे। गुरु अमरदास अपना निजी नाम नहीं वरत रहे, सिर्फ नानक। प्यारे गुरु रामदास, गुरु अर्जुन देव, गुरु तेग बहादुर साहब जी, पर उत्ते महला तब्दील हो रहा है। फिर अर्ज कह, पहले तो दूजा, दूजे तो तीजा, तीजे तो चौथा, पंजवा ते नौवा, पर थले इको ही शब्द चलता पाया नानक नानक। यदा मतलब यह सी गुरसिखो जिनी कुछ समझ पई कि महला काया तब्दील हो रही है, काया पलट रही है। पर एक गल चेते रखियो, जोत ओ ही चलती पई है जिहड़ी खरी ने गुरु नानक साहब के रूप में अपने आप को प्रगट किया। जोत ओ है सच एवे कि काया पलटरी। धन गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह जी ने जी अपनी हयाती, क्योंकि रोज़ रोज़ ये शब्द कहने की बजाय जो मैं थोड़ी जी ज़्यादा इतने गल कह दिती भी जदों गुरु शब्द हुंदा, सतगुरु शब्द हुंदा साढ़े वास्ते, धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने यह शब्द वरते। एक और अर्ज के श्रीमान भाई गुरदास साहब जी उन्होंने शब्द की गल की, भाई साहब भाई नंद लाल जी उन्हों की जी रचना आप पढ़ने वो सतगुरों ने उदन मैं क्या स्पष्ट किया कि दूसर रूप ग्रंथ जी जान इनों अंग मेरो कर मान। सिख वास्ते श्री गुरु ग्रंथ साहब का शब्द इष्ट है। यदा दशमेश पिता जी ने साढ़े ते रहमत की, सानू अमृत की दात दी। फिर अर सुनियो, जोत जुगत ओई है, जेड़ी जोत है वह गुरु ग्रंथ साहब के शब्द विच विद्यमान है, ते जुगत जेड़ी है वह पंज प्यारे रहत वाले जीवन वाले। मैं लफज वरत्या पंज प्यारे, चलो कह दिता, जिन्हों का जीवन है, जिन्हों के अंदर शब्द चलता है, जिन्हों के अंदर सिमरन दियां बरकतां ने, जिन्हों का खिरदा इन्ना क पवित्र है, उस खिरदे विच गुरु गोबिंद सिंह अपना निवास रखते हैं। प्यारियो जदों वो जोत के सामने अमृत की जुगत देंदे आ, अमृत की दात देंदे आ, इहदे नाल भाई गुरसिखी विच अमृत की दात लैके सिख सतगुरु गुरु नानक साहब के घर की दीख्या लैंदा है, नाम दृढ़ कराया जाता है। खैर मैं फिर उस विषय पर आने लगा कि सतगुरु जी ने अज शब्द कह भी लभदिया लभदिया सतगुरु मिले, होर कोई चीज़ कम नहीं आनी। तो आप जी रोज़ आसा की वार अमृत वेले सुनते हो, पहली पौड़ी नाल 3 श्लोक सतगुरां ने दर्ज किए, उस विच 2 श्लोक धन गुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी दे ने, ते 1 श्लोक सतगुरु गुरु अंगद देव महाराज जी का है। वो तिन्ने दे तिन्ने श्लोकों का प्रकरण एको ही है, गुरु सतगुरु तो बिना नहीं गल बननी। महाराज जी का एक बचन है पहला कि बलहारी गुर अपने दोहाड़ी सदवार, मैं अपने सतगुरों तो कुरबान जाना दिन विच सैकड़े वारी। बलहारी गुर अपने दोहाड़ी सदवार, जिन मानस ते देवते किए करत न लागी बार। किड्डी वड्डी ताकत जी, मैं उन्हें क्या हनेरा जिन्ना मर्जी पुराना दीवा बले हनेरा चला जाता है, जिस सतगुरों ने मनुखां तो दैवी गुणा नाल भरपूर देवते बना दिता। कोई 2 साल नहीं, 5 साल नहीं, 10 साल नहीं, कई बार असीं कह दिंदे आ ना जी इस जन्म तो नहीं होया, हुण अगले जन्म आपां जरूर सिखी कमावांगे। नहीं प्यारिओ, मेरी खत जोड़ के बेनती है, समर्थ सतगुरु गुरु नानक साहब बख्शिश कर रहे हैं कि मनुख दे जीवन नूं पलटदिआं गुरु नूं कोई देरी नहीं लगती। फिर अर्ज कह, जदों गुरु बख्शिश करे कि देरी लगती, कई बार तो बंदे नूं पता ही नहीं हुंदा सवेरे मैं चेंज हो गया जी। इत्थे मैं एक बार अर्ज की, सतगुरु तलंबे जांदे आ, लोकी सज्जन शाह ते सज्जन शेख कहिंदे आ, आप सब नूं पता है उहदा बाहर चंगा अडंबर बनिया सी, पर जिहड़ा बाबा जी ने शब्द वरते ने फाही सुरत मलूकी वेस खौं ठगवाड़ा सगी ठगी देश, उत्थे निम्रता लिखिया कहिंदे बाहरों शरीफां वाला बाणा है ते सुरत जिहड़ी उह फाहियां फंदे पाउंदी पई है, फसांदी है, ते उह लोकां नूं मारदा सी जी, मार के कतल करके बाहर उगसोग ही निकल दिंदा। जदों सच्चे पातशाह महाराज जांदे आ जी, ते सतगुरां दा स्वरूप जिहड़ा है धन गुरु नानक साहब जी दे मुख दा जिहड़ा रूहानी नूर है,
उन्हें देखिया ते मन च इको गल आई जी बहुत वड्डा कोई शाह है, रात रखांगा प्रसाद पानी छकांगा, सवेरे खत्म करके सब कुछ दा लुट लांगा। पर प्यारे उहनूं इह पता ही नहीं उहदा किहड़ा कर्म सी जी, अज तक तो पाप करता पा। मैं तुहानूं फिर बेनती करनी, प्रोफेसर पूरन सिंह कहिंदा कदे अपने जप तप कर्मां दा दावा करना है, बाबा जी तां उहदे घर भी जा के रात एक रात विच उहनूं बदल के आ गए, खिन विच बदल दिता सच्चे विच, जिहड़ा लोकां दीआं खोपड़ियां तल के खांदा हुंदा सी। मैं फिर अर्ज की शुरुआत की हनेरा है, सज्जन नूं पता ही नहीं, और उन्हें यह थोड़ा कहा भी अज बाबा जी आए ने, सवे कीर्तन होगा, मैं अरदास करांगे, मैंने सिखी दे दिओ। मैं बड़े सीधे पेंडू शब्द वरत रहे, उन्हें कोई देख बना के तोड़ी रखी, बाबा जी आए ने तो लंगर चलाना। मन मन च कपट सी, मन च फरेब सी कि बहुत वड्डा शाहूकार आया है कि सवेरे मैं सब कुछ लुट लैं रात मार के। पर प्यारे गुरु तरस दे घर ने, गुरु साई है गुरु कसाई नहीं। फिर अर सुनियो वह रहमत करते आ, वह रात मन च गिटियां गिंदा हजूर नूं खत्म करन दियां, ते महाराज चाहते ने इहदे अंदर वाले ठग नूं मारन दियां। मारना वह भी चाहता है, वह शरीरक तौर पर सतगुरां ने शब्द का खड़क लिया। हजूर ने अद्धी रात नूं, मैं रात नूं ही शब्द जदों बोलिया, सज्जन सही नाल मैं चलदियां नाल चलन, जिथै लेखा मंगी है तिथै खड़े दसन राहो दे बचन, जिथै लेखा मंगी है। जदों वार वार अस्थाई गाई गई, उस बंदे दा अंदर खला के रख दिता, जिहड़ा छुरियां कुहाड़ियां शस्त्र तिखे करी बैठा सी ना, वह सब कुछ सट के छड के गुरु नानक साहब जिथे कीर्तन कर रहे ने बूहे विच आ के बह गया। मैं आप नूं बेनती करा, सवेरे की बनिया उहदे नाल? रात तां बहुत दूर दी गल प्यारिओ, आस करके आईए। मैं कल्ला तुहानूं नहीं कहिंदा, आपां सारी जी, गुरु जी कोल इन्नी कु ताकत है। खिन लफज बड़ा छोटा है जी, एक खिन समा बिल्कुल इहदी समें दी सब तो छोटी इकाई, एक निमक है, एक अख झमकण दा समा। प्यारे गुरु ग्रंथ साहिब जी बचन करदे ने, जदों समर्थ गुरु जी मिल जाना, अख झमकण दे समें विच बंदे नूं ब्रह्म ज्ञानी बना देंदे। सूके खरे किए खिन माहे, क्या महाराज जी ने, सूके खरे किए खिन माहे, अमृत दृष्ट संच जीवाहे। प्यारे खिन लग्या, गुरु नानक साहब कहिंदे ने भाई जिहड़ा शब्द गुरु अर्जुन साहब का पढ़ रहे हो, लभदियां लभदियां समर्थ गुरु मिले। किहड़े गुरु? जिन्हों साहब कह रहे ने बलिहारी गुर अपने द्योहाड़ी सदवार, जिन मानस ते देवते किए करत न लागी बार। हुण अगली बेनती, दूजा श्लोक धन गुरु अंगद देव जी का है। देखो ओ गुरु अंगद देव जी ते धन गुरु अमरदास जी, दो पातशाहां बारे तो हिस्टरी बिल्कुल साफ कहिंदी है जी कि गुरु अंगद देव जी बाबा लहणा जी गुरु शरण विच आन तो पहला देवी दे भगत सन, इतिहास साडा कहिंदा है। तो मैं कल आपनूं एक बेनती की सी, शायद आपनूं तिन्ने शब्द चेते होणगे जिहड़ी कल दी कथा सी, सिद्धांत संवाद ते साखी, तीन शब्द मैं कहे सन कथा दे विच। हुण गुरु अंगद साहिब ज्वाला जी दे जांदे सन, मैं भाई लहणा जी शब्द वरतां, पर भाई जोत तो एको ही बचन सुनिया ना, जित सेवियां सुख पाईए सो साहिब साहिब सदा संभालीए। प्यारिओ इहो जे आए दुबारा गए कोई नहीं। गुरु अमरदास, बाबा अमरदास जी जिंदगी दा बहुत ही साल, 60 साल कोई थोड़े नहीं हुंदे, 60 साल जिंदगी दे वो तीर्थ इशनान करदे रहे, जिहदे विच 19 वारी पुरख जतन करदे आ दसन दा, 19 वार गए। पर प्यारिओ 19 वार तुर के जाना जां सवारी करके जाना, 6 महीने घर रहिंदे सन, 6 महीने यात्रा ते 19 साल, पर अंदर नूं शांति नहीं मिली। जदों अंदर नूं 6:00 बजी उस साधु खरीदास ने कहा कि तुहाडा गुरु कौन, वह कहिंदे गुरु दी भाल विच आ। प्यारे उन्हें हाथ च पकड़िया होया पानी दा गिलास बर्तन छड के कहा, ओ वाहिगुरु प्रभु मैनूं बख्श दई, मैं इन्ने दिन नगुरे बंदे दी संगत कीती है, मैं तुहानूं तां बेनती गुरमुखो कर रहा, इस भुलेखे नूं कढ दईए, आ शरीर है 10 बंदे नाल चलदे आ, 20 बंदे चलदे आ, ये कह दी ज्ञानी यही कहिंदे ने गुरु गुरु को। वह प्यारे जिदन इहनूं छड के जाणा उदन किन्ने बांह फड़नी है, इहनूं जदों मैं तुसीं छड्डना इहदा जिंद दा कौण है जी, जिंद नाल तां घर दे वी नहीं जांदे, घर दे तां बहुत दूर दी गल, जिंद नाल तां अपना शरीर भी नहीं जाणा,
शरीर जिंद नाल आया जरूर है पर जिंद नाल नहीं जाएगा। ए शरीरा मेरिया हर तुम मैं जोत रखी तातू जग मैं आया, पर जिदन जोत निकलेगी उदन मेरा शरीर नाल नहीं जाएगा। प्यारे उस जोत नाल जे जाना है तो सूक्ष्म रूप विच सतगुरु ने जाना है, सतगुरु के शब्द ने जाना है। महाराज जी उन्हें ही कहा भी नगुरे की संगत मेरी बेनती है जी, सट मार गया वो बंदा, पर याद रखियो मैं अगे शब्द अर्थ कर दिया, लभन तुर पै ना भावें तीर्थ स्नान ते गए देवी ते गए पर अंदर एक जिग्यासा सी असी मंजिल ते पहुँचना है। प्यारे सट मार दिती, रात बेचैनी नाल बतीत होई, सवेरे अपने सक्के भरा दे घरों अमृत वेले सब इतिहास तो तुसी जाणू हो दुध रिड़कन की आवाज़ सुनाई दिती, मधाणी दुध रिड़कन की आवाज़ सुनाई दिती। उस आवाज़ दे विच उस मधाणी की साउंड विच कोई आम नहीं, धन गुरु अंगद साहब की बेटी बीबी अमरो वह शब्द पढ़ती पई है जेडे नेम तो बिना चेते किए आ। मेरी फिर भी मैं नेम तो बिना कहा है, मन च आएगा क्यों, उस वक्त सिख जपजी साहब का पाठ करते सन जी, भाई साहब जी ने तो लिखे गुरदास जी ने कि सो दर आरती गाविए अमृत वेल है जाप उचारा जपजी साहब। पर साडा इतिहास कहिंदा है कि जेड़ा शब्द बीबी अमरो जी पढ़ रहे हैं वह नितनेम का हिस्सा नहीं, बाणी का हिस्सा तो है। मारू राग का शब्द है गुरु नानक साहब जी का, करनी कागद मन मसवाणी बुरा भला दो लेख पै ज्यों ज्यों किरत चलाई है त्यों चली है, तौ गुण नाही अंत हरे चित चेतस की नहीं बावरिया हर बिसरत तेरे गुण गलिया। इस शब्द अखीर विच है काया आरन मन विच लोहा पंच अगन तित लाग रही कोयले पाप पड़े तिस उपर मन जलिया सन्नी चिंत पई। प्यारे शरीर भट्ठी है मन लोहा है, काम क्रोध लो मोदी अग लगी है, तो जिन्ना बंदा वासना अधीन पाप करता है उन्हें अंदर कोले होर मचाते पे आ पापा दे कोले ने। अगे जी होया कि भया मनूर ये सड़ के निकम्मा लोया हो गया, जिमें मनूर निकम्मा लोया भया मनूर कंचन फिर होवे फिर सोना हो सकता है जे गुरु मिले तिनेखा, जे गुरु मिल जाए सच ए वे सड़े हुए मनूर वर्गे मन नूं भी सोना बना देंगे। एक शब्द सुनिया प्यारियो सिर्फ इको, मैं तां क्या जिग्यासा है ना उंज तां मस्कीन साहब एक शब्द वरते होंगे सन, चलो आप उन्हों का जिक्र कर दें उन्हें हर साल, वो कहिंदे सन कुंभकर्ण गहरी नींद सुता सी, उहदे बारे कहा जांदा है उहदे कन्नां नेड़े ढोल वजांदे सन नगारे वजांदे सन, किन्ने किन्ने महीने जोर जोर दे नगारे वजाने, उन्हें फिर अंगड़ाई लैके उठना, कहन लगे वह तो चलो छे महीनों बाद उठ पैंदा सी, इत्थे पता नहीं किन्ने कु तबले पाट गए किन्ने कु वाजे घस गए किन्ने कु गाउण वाले सुन वाले चले गए, बंदे का अंदर किदन जागेगा। एक शब्द सुनिया, मैं फिर बेनती करांगा गुरु अंगद साहब के दरबार चाहे जे अगे प्रकरण किसी दिन आप इहदी विचार करांगे, उम्र नहीं देखी। मेरी फिर बेनती, 60 साल की उम्र च इतिहास कहिंदा है 12 साल निरंतर सेवा की। प्यारियो इहो जिहा राह मिलिया अज सवेरे गुरमुख एक सवैया पढ़ रहे सन, तै पढ़ियो एक मन धरियो एक कर एक पछाण्यो नैण बैण मोय एक एक दो ठाए न जाण्यो सुपन एक परतख एक समय लीणो तीस एक अर पंच सिद्ध पैतीस न खीणो। गुरु अंगद साहब ने इन्नी मेहर की, गुरु अमरदास नूं एक तो बिना कुछ भुलदा नहीं। मैं फिर अर्ज करांगा जिहड़ा शब्द असीं रोज़ सुणने आ कि गुरु जी तो कुरबान जाइए जिन्हें मनुखां तो देवते बना दिता। वो प्यारे हो मत बदल जाए, शरीर अपने आप बदल जाता है, शरीर जिहड़ा बंदा मत सोच ना बदले, शरीर नूं तां कपड़े पा के बापा विखावा कर सकने आ पर मत बदल जाए बुद्ध बदल जाए तो सिद्धि मिलती है। गुरु साहब ने कहा बलहारी गुर अपने द्योहाड़ी सदवार जिन मानस ते देवते किए करत ना लागी वार, दूजा है जे 100 चंदा उगवहे सूर चढ़े 1000 इत्ते चानन हुंदिया गुरबिन घोर अंधार। प्यारियो गुरु तो बिना हनेरा है, गुरबिन घोर अंधार, गुरु बिन समझ ना आवे, गुरबिन सुरत ना सिद्ध, गुरु के बिन मुक्त ना पावे, गुर कर सच विचार गुरु कर रे मन मेरे, गुर कर शब्द सुपुन अगन कटें सब तेरे, गुर नैन बैन गुर करो गुरु सत कव नल कहे, जिन गुरु न देखियो न देखियो न कियो
ते अकियात संसार में। फिर बिनती है, जेसो चंदा उगवें सूर्य चढ़े हजार, इते चानन खुंदियां गुरबिन घोर अंधार। ते तीजा श्लोक जरूर, दो श्लोकों च पहले च गुरु की कृपा, दूजे च शब्द कह दिता भाई अंदर का नेरा नहीं, तीजे च जिहड़े चलाकियां वरतने ना। मैं आप नूं पहलां दस्सिया मेरे बारे तुहाडे बारे, आप कई बार सुनने जी आ फलाना बंदा तुहाडे बारे आ कह रहा सी उहदे बारे, जे अंदर साफ है तो कोई स्पष्टीकरण देने की लोड़ नहीं। जे वाकई गुनाह किया तो यह स्पष्टीकरण ही देना चाहिए, मैं चंगा किया सी आ हो गया, मान लेना चाहिए मैं गलती की। जे अंदर साफ है जने खाने नूं क्यों स्पष्टीकरण देना जी। पर जेड़े बंदे ये चलाकी वरदे आ कि गुरु तो बिना कोई गल नहीं साडा चल जाने, महाराज जी ने बड़ी पुरानी, वैसे अजकल भी पिंडा थावां ते मिलदा है, कपाह दे नाल असी कई वारी एक दो सियाड़ तिलां दी कढ दिंदे आ, तिलां दे बूटे भी बनदे आ, फुल भी लगदे आ, फलियां लगदियां ने, उहदे विच दुद्धा भरिया जांदा है। दुद्धा समझदे कच्चा कच्चा जिहड़ा दाणा है, पर जदों सौण दा बदल चमकदा भादों दी बिजली च पैंदी है उदों प्यारे चमके नहीं पैंदी है, वह बूटे पलरे खोए भी राख हो जाते हैं, सुहा हो जाते हैं। जिहड़ा बंदा ये चलाकी वरते, मैं बहुत कुछ जानना जी, अज मेरी फिर बेनती है, तुसी प्रोफेसर हो, तुसी डॉक्टर हो, तुसी इंजीनियर हो, तुसी दुनिया भर का जिन्ना मर्जी ज्ञान इकट्ठा किया है, मैनू बख्श दिया जे, बारमुखी धन धन हो सकती है, पर रब के घर च थां मिलेगी जे गुरु नानक साहब नू मुरशद धारण करांगे। चलाकी नाल नहीं, नानक गुरु ना चेतनी, मन अपने सुचेत, इतने सुचेत दर ते चलाक टुचरा करन वाले। हुण कई वार आप कहने जी आ फलाने बंदे की गल का उत्तर दिओ, दलील दिओ। गुरु ग्रंथ साहब का एक बचन है, कहिंदे नगोरा बंदा जिन्नियां गल्लां जानदा इन्नियां कोई होर जानदा ही नहीं, ज्यों नगोरा बहु बातां जाणा वह हर दरगाह है भ्रष्टी, रब की दरगाह तो फटकारिया होया गल्लां बहुत जानदा। नानक गुरु ना चेतनी, मन अपने सुचेत, छुट्टै तिल बुवाड़ ज्यों बुवाड़ तिल सड़िया होया, सुइयां अंदर खेत, खेतै अंदर छुट्टियां, कहो नानक सौ ना सैकड़े खसम बन गए जी उन्हां दे। फलियां फुलियां बपड़े पी तन विच सवा। मैं सिर्फ इन्नी कु बेनती की है कि समरथ सतगुरु गुरु नानक साहब साढ़े मुरशद ने, गुरु जोत ने साड़ी जिन्हों रहमत करके रूहानियत का खजाना दिता, इस विच भगत साहबान गुरु शब्द गुरु रूप ने, गुरु शब्द रूप असी सिखां नूं पढ़ने। भट साहबान जी ने, दसवें पातशाह जी ने कहा भाई सिखो पंथ का पार उतारा होवेगा जे ग्रंथ नूं गुरु मनोगे, तो पंथ विच शमूलीयत उहदी होवेगी जिहड़ा प्रथम रहत जे ज्ञान खंडे की पौल छके, जिहड़ा खंडे बाटे की पौल लैंदा। अज सतगुरां ने कहा फिरत फिरत भेटे जन साधु, लभदियां लभदियां लभे भाई, तो पूरे सतगुरु ने यह गल समझा दिती। बाकी कोई तरीका काम नहीं आना, सिर्फ वाहगुरु का सिमरन करिया कर। रोज़ समझाते ने तजो सियानप सुरजनो, ये समझाते ने ना पूरे गुरु जी, वो भले बंदे हो सियानप छड़ दियो, सिमरो हर हर राहे एक आस हर मन रखो, नानक दुख भरम भाओ जाए। रोज़ समझाते ने ये मन प्यारिया तू सदा सच संभाले, ये कुटुंब तू जे देखदा चलै नाहीं तेरा ना ले, साथ तेरा चलै नाहीं तिस नाल क्यों चित लाइए। का उपदेश सुन तू फिरत फिरत भेटे जन साधु, सतगुरु का उपदेश सुन तू होवै तेरा ना ले, कह नानक मन प्यारे। महाराज कहिंदे ने हे मेरे प्यारे मना तू सच्चे नाम की संभाल कर। सतगुरु शब्द वरत रहे कि प्यारियो कि नाम जपो मेरे साजन सहना, प्यारियो जपो तो एको नामा अवर निराफल काम। पूरे गुरु जी ने समझा दिता भी सिखा जो मर्जी दुनिया कहे, बस याद रखी बाकी कोई कर्म कांड, कोई पदार्थ, कोई कुर्सी, कोई सियाणप काम नहीं आनी, तेरे काम आना सतनाम श्री वाहिगुरु। सच्चे पातशाह जी कह रहे हैं अज फिरत फिरत भेटे जन साधु। अगे महाराज बख्शिश कर रहे हैं, ताते मोहे तारी ओट गोपाल। पंचम पातशाह धन गुरु अर्जुन देव कहते सिखो इस करके असा ना ताते इसलिए इस वास्ते असी हुण ओट गोपाल वाहगुरु जी दी लै लईए, उस तो बिना साडा कोई सहारा नहीं जी।
सच्चे वे प्यारे हो उहदे तों बिना सहारा भी कोई नहीं। किन्ने नाल चलना है, किसे खेतर विच भी चले जाओ प्यारे, इत्थों तक डॉक्टरां दे किन्ने साधन ने, मशीनां ने, दवाइयां ने। जिहड़े आस्तिक बंदे ने ना, वह भी अखीर ते कहण लग पैंदे आ असीं यतन बहुत करने आ, हुण तां परमात्मा ही खैर पा सकदा। इहदा मतलब जिथे हर चीज़ दुनिया की खोज मुक जाए उत्थे रब जी खलोंदे हुंदे आ, ते जदों आ छड्ड दित्ता उत्थे किन्ने जाणा है। महाराज कहिंदे बाकी कोई चीज़ साथ नहीं देनी, इस करके धर जीअड़े इक टेक तूं, ताते मोह धारी ओट गोपाल, ते मना तूं भी धारण कर लै, धर जीअड़े इक टेक तूं, लाहे बिडानी आस, नानक नाम धियाई है कारज आवै रास। इस करके गुरु पंचम पिता जी कहिंदे भाई जे नाम तो बिना किसी काम नहीं आना, ते आपां तां ओट आसरा उसदा लिया है। सारण परयो पूरन परमेश्वर, जेड़े परिपूर्ण परमेश्वर जी ने, परम ईश्वर सब तो वड्डे, असी उस परमात्मा दी शरण विच पए हां। बिनसे सगल जंजाल, ते जिन्ने चंबेले सन, जंजाल सन, गल च फाइयां पईयां सन, जदों पूरे वाहिगुरु जी दी शरण विच चले गए ना जी, ये सारे जंजाल जिहड़े ने मुक गए। कि बंदा संसार नूं छड्ड के चला गया, जंजाल क्यों मुक गया, रहिंदा इत्थे ही है। हाँ, असल च जिहड़े चीज़ां बंधन सन ना, उन्हां तों सुरत नूं उच्चा चुक गया। कि बंदगी करन वाले नूं दुख नहीं आउंदा, कि बंदगी करन वाले दे घर परिवार विच कोई प्रॉब्लम नहीं आउंदी। फिर बेनती है, दुख सुख जिंदगी का हिस्सा नाल तुरिया जांदा है, पर सुरत नूं इन्ना कु उच्चा चुक जांदा है नाम विच, उह कहिंदा जो कुछ वापर रहा है मेरी मंजिल हो रही, मैं इहनूं बंधन नहीं बन देना। भाई साहब जी ने एक बचन कहा, गुरदास साहब जी ने, वह कहिंदे ने कि देखो एक सज्जन तुरिया जा रहा, मैं सिर्फ अर्थी कर दिंदे आ, रस्ते विच उहने जाणा अपनी मंजिल ते, रस्ते विच किते विआह हो रहा लोग नचदे पए आ, कित मौत होगी लोग रोंद पे आ, कि झगड़े कर रहे, कित गीन संगीत है, वाट वटाऊ रात सराई वसया, सराई वसया, उठ चलिया प्रभात मार्ग दसिया, मुवे न पुछे जात व्याह ना हसया। जड़ा बंदा मान लो आप जी तुरे जाते हो, इतों जाना आपा ने दिल्ली जाना है, वक्त ना पहुँचना, ग्डी साढ़े को रास्त बैंडवाजा वजदा हो, आप कले पै के ना कदों हटन गए, तो जे नचते पे तो खुश बड़े ने। अगे मान लो कि जी मौत होगी, धरना लाई बैठा, आप कहने मैं अपनी मंजिल पर पहुँचना है, ये कदों उठनगे। जिन्हों ने मंजिल मिथली होंगी है, वह व्याहवान के वाजे, मरनिया के वैण, गीत संगीत किसी वल ध्यान नहीं देंगे, वह अपनी मंजिल वल तुरे जाते हैं। भाई साहब कहते हैं गुरसिख यदि मंजिल वाहगुरु में अभेद होना है, परिवार में रेंद वाजे भी खुशी के वजद आ, परिवार में रेंद मौत भी होंदिया ने, परिवार में रेंद दुख तो सुख सब कुछ वापरद। वह कहिंदा नहीं ओए, मेरी मंजिल गुरु नानक साहब के चरणों च पहुँचना, वह अपनी सुरत नूं बंधन तो मुक्त कर दिंदा है। भाई भिखारी जी जैसे महाराज कहिंदे ने भाई देखो जिस जिस दी प्रभु की शरण पए हां, उन्हें सारे जंजाल कट दिते खान। रहाओ सुरग मृत पयाल भूमंडल, सतगुरु कहिंदे स्वर्ग लोक, मात लोक, पताल लोक, जिन्ने भी भूमिया हैं सगल व्यापी माई, हर थां ते माया व्यापरी है। माया उस शक्ति है जी जिहड़ी दुजैगी पैदा करती है। फिर किसी दिन जे विषय आया जरूर वाचांगे। कहिंदे सारिआं नूं माया व्याप रही है, जी उधारण सब कुल तारण, जी दा उधार करन वाला जी, जिंद दा ते कुल्लां नूं तारन वाला, हर हर नाम त्याई, जिहड़ा नाम जिंद दा उधार करदा है, कुल्लां नूं तारदा है, उस वाहिगुरु जी दे नाम नूं असीं जपणे पए, उस नाम नूं सहारा बनाया है। नानक नाम निरंजन गाईया, धन गुरु पंचम पातशाह जी कहिंदे ने सच्चे पातशाह मेहर करदे आ, कालख तो रहत जिहड़ा परमात्मा है ना, उहदे नाम नूं गाया कर, दिन रात गा। सतगुरु गुरु नानक साहब जी दे बचन असीं पढ़ने आ, गावीए सुणीए मन रखीए भाओ, दुख पर हर सुख घर लै जाए। उस प्रभु दे नाम नूं जो कालक तो रहत है, दिन रात गौणा कर, पाईए सर्ब निधाना, ते नाम
गाउन नाल की मिलेगा, पाई है प्राप्त होणगे। सर्ब दा अर्थ है सारे, ते निदाना दा अर्थ है खजाने। प्यारे हो, सारे खजाने तेनू प्राप्त हो जाएंगे जदों तू परमेश्वर जी दे नाम नूं गाएगा। तार किरपा जिस दी स्वामी। पर ये किन्नू दात मिलती है जी, अपनी मर्जी नाल गा सकांगे? कहिंदे नहीं भाई, किरपा मंग झोली अट के। जिस उत्ते वाहिगुरु जी किरपा कर देन, अपना तरस कर देन, अपनी दयालता करना। बिरले काहू जाना, किसे विरले विरले ने जिदे ते मेर हो गई, उन्होंने नाम नू जानिया है। साध संगत जी, अज मैं थोड़ा जिहा समा इस करके लाया भी अपना वार वार रोज़ रोज नहीं कहना, साडे मुरशद मुरशद, चलो मैं लफ्ज़ वरतना, इस सूफिया च मुरशद वरते ने, उंज बाबा फरीद ने भी मुरशद की थान गुरु वरते है। बोलिया सच धर्म झूठ ना बोलिया, जो गुरु दसै वाट मुरीदा जोली है। आप अमृतधारी होइए, फिर फेल होयां दी लिस्ट क्यों चुकी फिरने? कोई तो अपनी लगे आरी लैके अमृत बारे भी बाणी बारे भी, तो कुछ इन्नी क नैगेटिविटी पैदा कर दिती है। चलो अज सब को समाज की उसारी किवें हो सकती? मैं गलती कर सकना, तुसीं कर सकदे हो। कोई कदी बंदा अपनी गलती नू ओना प्रचारदा जिन्ने दूजी दी नू प्रचारदा है ना? आ मेरियां अखां आप जी नू देखदियां ने नकमियां, अपना आप कदी नहीं देखिया, अखां ने कदी अपना चेहरा नहीं दिसदा। जे समाज की चंगी बनतर है, जेडे चंगे बंदे ने, गुणी गुणी बंदे अर्थ नहीं कि विखावे वाले, आपां समाज विच ओना दी गल करिए जेडे सच्ची मुची मंजिल ते पहुंचे। तुसी न्याणे नूं एक बच्चा कुराए पै जाए, वार वार रोज़ नूं सुणांदे पुत्तर चल स्कूल जा, उहनां दा न्याणा ते फेल हो गया, वह तां तीजी वारी होल गया। प्यारे तुसी उदाहरणां दिंदे हो, वह दिहाड़ीदार दा बच्चा जज बन गया, उहदा बच्चा वकील बन गया। जे संसारी तौर ते बच्चे नूं बचाउण लई तुसी पास होयां दीआं उदाहरणां दिंदे हो, ते अध्यात्मक जीवन कमाण लग्गिआ फेलियर बंदिआं दी लिस्ट क्यों तैयार करी बैठे? आज सब जिन्हें फेल हो उन्होंने लिस्ट आ देखो, फलाना बाबा इस तरह सी, फलाना ज्ञानी इस तरह सी, उहदे बारे सुनिया जे? वह भले बंदे आ, समा बड़ा बलवान है, जिहदियां गल्लां खुश हो के तू करना, समा तेनू पहचानदा पै, एक दिन तेरे कोल भी इन्हें आ जाना। इस करके मेरी बेनती, आपां अमृतधारी होइए, आपां नहीं देखना खब्बा किहड़ा सज्जा किहड़ा, सानू इको पता है, वह प्रगट्यो मर्द अगंबड़ा वरियाम इकेला, वाहो वाहो गोबिंद सिंह आपे गुरचेला। आओ जी नाम थोड़ा जपिए, क्योंकि कल मैं टाइम ज़्यादा ला गया सी, ते मैं क्या भी कल नूं जपांगे। सज्जन ने कहा देखो ते तत गल तां ओही सी जिहड़ी तुसीं कीती ने, करो किरपा सारे जी, पहलां दास फिर सिंघो तुसीं, ते फिर बीबियां अपने घरां च बैठे भी। उंज मैनूं पता है वाहिगुरू शब्द गुरमंत्र है, भाई साहब जी ने भी कहा कि बाबा जी ने सतना भी कहिंदे सन। आओ सारे किरपा करो, सतनाम वाहे गुरु, सतनाम वाहे गुरु। घरां च बैठे भी जपो जी, बीबियां भैणां उच्ची आवाज़ च सतनाम वाहे गुरु, सतनाम वाहे गुरु। सतनाम वाहे गुरु, सतनाम वाहे गुरु। वाह वाह, सतनाम वाहे गुरु, सतनाम वाहे गुरु।
सतनाम वाहे गुरु, सतनाम वाहे गुरु, सतनाम वाहे गुरु। सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी आप जी दे अमृत बचना दी विचार करदे आ। साध संगत जी असी भुलनहार हाँ, अर्थ करदे आ, प्रमाण देंदे आ, उचारण करदे आ, बहुत भुलां हुंदियां ने, साध संगत बख्श देना। आओ सतगुरां दे अज दे इस बचन दे अंतलियां तुकां सरवण करिए जी। नानक नाम निरंजन गाइया पाइया सर्ब निधाना, कर कृपा जिस दे स्वामी बिरले काहू जाना। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।